जिस पार्टी के देश व प्रदेश के नेता जमानत पर चल रहे हों, उस पार्टी के विधायकों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से त्याग पत्र मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये बात भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रीति गृह बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की जंग चल रही है और इसके नेताओं में अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी हुई है और इसी होड़ में इसके नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी की जग हसाई हो रही है। लोगों में कांग्रेस की दिन प्रतिदिन गिर रही साख को बचाने के लिए इसके प्रदेशाध्यक्ष को गत दिवस ये बयान देना पड़ा कि कांग्रेस का कोई भी नेता बिना पार्टी गाइडलाइन के लिए बयानबाजी नहीं करेगा। रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में देश व प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए हैं, उस पार्टी के नेताओं के मुंह से ईमानदारी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है और जैसे जैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, वैसे ही प्रदेश सरकार ने इसकी छानबीन के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से अपना काम कर रही है, जिसके चलते ही एक स्वतंत्र एजेंसियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अव्वल आंका है। उन्होंने कहा कि बात चाहे सैनिटाइजर घोटाले की हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के ऑडियो की, प्रदेश सरकार ने बिना समय गवाए दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन के आदेश दिए और स्वास्थ्य निदेशक को सस्पेंड कर गिरफ्तार करवाया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में पटवारी भर्ती में धांधली के आरोप लगने पर सरकार ने इसकी सीबीआई जांच करवाई तथा गत दिवस सीबीआई जांच में इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश की, जहां से अदालत ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी मुखिया होने के नाते भाजपा नेता का नाम सामने आने पर नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया, जबकि प्रदेशाध्यक्ष का विपक्षी दल के किसी भी नेता ने नाम तक नहीं लिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए चल रहे नाम पर कहा कि भाजपा में पद मायने नहीं रखता है। पार्टी जिस कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी सौंपती है, वह कार्यकर्ता उस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाता है। सिर्फ इतना ही अखबारों में छपता रहा किसी भाजपा नेता का हाथ, किसी बड़े नेता का हाथ। पार्टी का मुखिया होने के नाते, पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने स्वयं पर नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए त्याग पत्र दिया, नैतिकता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं जो पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबी, जिसके अनेक नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कल विधायक दल में उनके पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ईडी सीबीआई ने मामले दर्ज किए हैं, जमानत पर है, ना त्याग पत्र दिया ना कार्रवाई की। राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर।